रही है जिसके बारे में आपको अवगत कर दूं, उपनिरीक्षक पेपर लीक मामला है। एसओजी ने आरपीए में कार्रवाई की है। जी हां, एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में ले लिया है और ये जो है सूत्र बता रहे हैं 3 पुरुष और 2 महिला ट्रेनी जो है वो इसमें संलिप्त हैं। एसआई को हिरासत में लेने की सूचना मिली है। आरपीएससी पूर्व सदस्य राजू राम रायका के पुत्र पुत्री को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली है। तो हम आपको बता दें, बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर उप निरीक्षक पेपर लीक मामला सामने आया है, जहां पर एसओजी ने आरपीए में कार्रवाई करते हुए 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया है। जी हां, एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं, 3 पुरुष और 2 महिला ट्रेनी को हिरासत में लिया गया है। एसआई को हिरासत में लेने की सूचना मिली है, हमें प्राप्त हुई है। आरपीएससी पूर्व सदस्य राजू राम रायकी के पुत्र पुत्री को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना हमें मिल रही है। तो जयपुर उप निरीक्षक पेपर लीक मामला, एसओजी ने आरपीए में की है कार्रवाई और हम आपको बता दें कार्रवाई में 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया है। ये सूत्र बता रहे हैं, 3 पुरुष और 2 महिला ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेने की सूचना है। आरपीएससी पूर्व सदस्य राजू राम रायकी के पुत्र और पुत्री को हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई है। आपको पुनः बता दें हम जी, तो मुबारक खान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मुबारक, एसओजी ने 5 श्रेणी एसआई को हिरासत में लिया है, ये सूत्र बता रहे हैं, क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? 3 पुरुष और 2 महिला श्रेणी एसआई को भी हिरासत में लेने की सूचना, कौन कौन है ये 3 पुरुष और 2 महिला श्रेणी एसआई? जी बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला है, जिनमें अब तक करीब 50 से ज्यादा जो ट्रेनी एसआई है उनको गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है। वहीं 5 जो आज ट्रेनी एसआई है उनको भी हिरासत में लेने की सूचना जो है वो मिली है। हालांकि अब तक एसओजी की ओर से आधिकारिक बयान जो है इस पूरे मामले में नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर मिली है कि 3 जो ट्रेनी, हम कह सकते हैं कि ट्रेनी एसआई पुरुष हैं और 2 जो है महिलाएं हैं, तो कुल मिलाकर 5 लोगों को हिरासत में लिए। इनमें 2 लोग वो शामिल है जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य के पुत्र व पुत्री भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी के सदस्य के पुत्र पुत्री भी अगर पेपर लीक मामले में जुड़े हुए, तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि कैसे अधिकारी अपने पद का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को सरकारी नौकरी अधिकारी बनाने के लिए इस तरह के पेपर लीक माफियाओं से जुड़कर या फिर पेपर लीक करके अपने बच्चों को नौकरी दिलवा रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, अब तक जो है एसओजी की ओर से इस मामले में बयान नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोगों से फिलहाल जो है वो पूछताछ की जा रही है। जी मुबारक, तो जैसा आपने बताया कि आरपीएससी पूर्व सदस्य राजू राम रायके के बेटे बेटी को हिरासत में लिए जाने की भी खबर आई है, तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या इनसे और पूछताछ होगी? क्या ये जो है ये बड़ी श्रृंखला में यहाँ पर ये पूरा गेम चल रहा था? अब बिल्कुल देखिए, ये भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से संदिग्ध है और करीब 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई ट्रेनी एसआईओं ने इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक मामले को लेकर भजनलाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि पेपर लीक माफियाओं को लेकर जब भाजपा विपक्ष में थी उस समय जो है हमेशा हमलावर रही है इस मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में अब जब पेपर लीक से जुड़े इतने खुलासे सरकार के समय हो चुके हैं और वहां पूर्व जो आरपीएससी सदस्य है उनके पुत्र पुत्री का भी नाम अब जो है वो सामने आया है, तो ऐसे में अब जो इन 5 लोगों से पूछताछ की जाएगी कैसे इन तक पेपर पहुंचा और कैसे इन्होंने ये परीक्षा जो है वो पास की, उसके बाद जो है गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए ठीक है, मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और